गाइज, आज की जनरेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना टफ हो चुका है, अगर हल्की सी भी गाइडेंस कहीं से मिल जाए तो हमारे पास एक होप रहता है कि 80-90% कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन हो सकता है। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली जल बोर्ड में जो असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी उसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के ऊपर। तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी और आपने मिस कर दी क्योंकि सिलेबस की वीडियो नोटिफिकेशन में सिलेबस नहीं दिया हुआ है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो वाली वीडियो देख के सिलेबस जान सकते हो। लेकिन जो आज की हमारी ये वीडियो है, ये जो असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, सिलेबस जितने भी टॉपिक है इन सभी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए और एक ग्रुप स्टडी करने के बाद जो बेस्ट बुक निकल के आई है, उन बेस्ट बुक को डिटेल में बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, परचेज कहां से करनी है और कौन सी बेस्ट बुक है। गाइस, ये जो सभी बुक है ये लेटेस्ट अपडेटेड बुक है, इससे अपडेटेड कोई और बुक आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत दिनों की प्रैक्टिस करने के बाद ये बुक आई है और सभी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में अवेलेबल है, तो आप दोनों ही ये खरीद सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश मीडियम ले सकते हो। मैं गारंटी लेता हूं, मैं 100+1% गारंटी लेता हूं कि जो है अगर आपने ये बुक अच्छे से पढ़ ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और मैं जो ये बुक है, सभी बुक अलग अलग राइटर की बुक है और मैं इन बुक का कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मैंने जो खुद पढ़ा है, खुद हमने जो ग्रुप स्टडी की है, जो लड़के पढ़ रहे हैं उनसे भी फीडबैक लिया है, तो आपके लिए ये बुक लेके आया हूं, ठीक है। देखो ध्यान से सुन लेना, लेकिन अगर आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी वो आप एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपके मतलब किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने नंबर का एग्जाम होगा, ये सारी चीजें पता चलने के बाद आप ये वीडियो देख लेना। देखो जनरल अवेयरनेस में मैंने एक ही यहाँ पे जो है दो चीज रखी है, किरण पब्लिकेशन और लूसेंट की, ठीक है। देखो कुछ बुक यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल है, कुछ बुक इंग्लिश में अवेलेबल है, किरण पब्लिकेशन भी बेस्ट है और लूसेंट भी बेस्ट है यहाँ पे। और ये जो मैंने रखी है 14,400+ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन परीक्षित टेस्ट, ये सब इसमें है, ठीक है। इतने क्वेश्चन है, अगर आप ये पढ़ लोगे जनरल अवेयरनेस के, और जो सभी पेपर में आया है, ग्रेजुएशन लेवल से नीचे जो सभी एग्जाम होते हैं, एसएससी का हो, बैंक का हो, या फिर किसी जनरल का हो, डिफेंस का हो, आर्मी का हो, कैसा भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आए हैं जो मैंने यहाँ पे बुक का नाम लिखा है, ठीक है। और गाइस एक चीज और बता दूं, जुलाई अगस्त में इसकी फिर से बुक आई, ये बुक जो है टिल दिसंबर 2023 तक अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें प्लस 6 मंथ और ऐड कर लो आप, तो जुलाई अगस्त में फिर एक बुक आएगी किरण पब्लिकेशन की 6 मंथ की। अगर आपका एग्जाम जुलाई से पहले होता है तो ठीक है, अगर जुलाई के बाद होता है तो आपको ये 6 मंथ की जनरल अवेयरनेस की बुक खरीदनी है, और उसके बाद जो है ये जुलाई अगस्त में लॉन्च होगी ये बुक, जो नई बुक आएगी 6 मंथ की जनरल अवेयरनेस की। या फिर आपको ये नोट्स बाहर से बुक स्टोर पे मिल जाते हैं तो वे नोट्स आपको जुलाई में लेना है, ठीक है। अभी नहीं लेना, अभी ये वाली पढ़नी, ठीक है, वो अरेंज करके वो आप फिर से पढ़ लेना, तो आपका ये जनरल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। देखो भाई, पूरे हिंदुस्तान में एक ही बंदे का डंका है, पीयूष वर्सन का। सभी स्टूडेंट ने अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया था और गाइस बहुत अच्छी बुक रहती है रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की। अगर आपने ध्यान से पीयूष वर्सने की बुक पढ़ ली तो आपका एग्जाम इस लेवल में जितने भी थर्ड, वैसे तो 35 क्वेश्चन आने हैं भाई, 35 में 30 नंबर आके कहीं नहीं गए अगर ध्यान से पढ़ ली। देखो इसमें ना मिनिमम 40% मार्क्स भी लेके आने हैं, जो जनरल के हैं, मतलब 200 एग्जाम का तो यहाँ पे आप समझ लो 80 नंबर लेके आने हैं, तो 30 इसमें से आगे और 30 मैथ से आगे 60 नंबर बाकी और में था पढ़ के ले आऊंगे। तो एग्जाम जो है नॉर्मल बच्चा बहुत पढ़ता है, ठीक है, आज की जनरेशन में बच्चा कम नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो आपने आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैथ के बारे में बात करेंगे, देखो मैथ के जो क्वेश्चन है, राकेश यादव भाई बेस्ट है इस लाइन में, यानी इस लेवल में राकेश यादव की जो बुक्स है ना वो बेस्ट रहती है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स हैं, वैसे तो यहाँ पे एसएससी सीजीएल लेवल की स्टडी कराते हैं बहुत सारे जो है, लेकिन राकेश यादव इस लेवल पे बहुत अच्छा है। एक यूथ पब्लिकेशन भी बहुत अच्छा है,
ये भी आप ले सकते हो। हालांकि मैंने बुक का कॉम्बिनेशन दिया है, वो आप एक बार देख लेना। जो है सदी बुक का अपडेटेड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप खरीद लेना, ठीक है। अब मैथ और ये डाटा इंटरप्रिटेशन के ये एक ही पॉइंट है, और इन सभी में आपको गाइज ये इसकी मतलब ये मैथ में ही आया है, दोनों के जो है 35 क्वेश्चन कॉमन आने हैं। प्रशांत करण पब्लिकेशन की ये बुक लेनी है, टॉपिक को लेके इससे बेस्ट बुक नहीं है। बात करेंगे हिंदी की लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन से, आदित्य पब्लिकेशन से बेस्ट बुक नहीं है, तो ये लूसेंट भी ले लेना और आदित्य पब्लिकेशन भी आप यहाँ पे बुक ले लेना। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे बुक रखी है, तो वो आप देख लेना, ठीक है, ये आप देख लेना यहाँ पे। और अब हम बात करेंगे गाइस इंग्लिश की, जो इंग्लिश है, इंग्लिश में एसपी बक्सी की तो जरूर बुक खरीदनी है आपको, कुछ भी हो। एसपी बक्सी की बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो ऐसी है कि पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, सस्ती है, यहाँ पे प्राइस को भी ध्यान में रखा गया है, ठीक है, सस्ती है, ये आप खरीद लेना। ये लिमिटेड क्वेश्चन है, वो आप देख लेना, यानी अग्रवाल की भी बुक्स ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे पिन्ना सर्किल पब्लिकेशन की जो बुक है वो सबसे बेस्ट है, वो मैंने दी हुई है, वो पढ़ लेना, ठीक है। अब बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर में अरिहंत और श्वेता पब्लिकेशन की बुक सबसे बेस्ट है, इन दोनों की बुक्स आप ले सकते हो। हालांकि सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जो है जो लिंक दिया है, लिंक में सभी अपडेटेड बुक है, वहां से भी खरीद सकते हो। अगर आपके किसी भाई के पास है, बहन के पास है, किसके पास है, तो उनसे भी आप ले सकते हो। मींस कि एंड ऑफ द टाइम आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और एंड ऑफ द रिजल्ट आपका नाम उस रिजल्ट में आना है, तो ये सभी चीजें ध्यान में रखना है और पढ़ना है। अब करेंगे यूट्यूब चैनल की बात, की यूट्यूब चैनल कौन सा बेस्ट है, ये तो होगी उसकी बुक की बात। यूट्यूब देखो भाई, यूट्यूब चैनल कोई सा भी बेस्ट नहीं है। अगर आप सोचोगे हम कोर्स खरीद ले, हालांकि कोर्स मिलेगा नहीं आपको, बहुत सारे ऐसे होंगे कि सस्ते सस्ते यूट्यूब चैनल वाले कि आपको कोर्स भी बेच देंगे, तो भाई कोर्स खरीदने कोई मतलब नहीं है। देखो जो मैंने बुक बताई वो तो आप ले लेना, कोर्स खरीदने कोई जरूरत नहीं है। हाँ अगर ले सकते हो तो रीजनिंग और मैथ का देख लो। रीजनिंग और मैथ में क्या है, थोड़ा सा फार्मूले लगाने होते हैं थोड़ा, क्योंकि कभी कभी ना चीजें समझ में नहीं आती है, तो ये आप थोड़ा समझ लेना, जितनी बुक पढ़ सकते हो ये तो पढ़ लेना, बाकी जो है इसकी वीडियो भी देख लेना। बाकी यहाँ पे सारा स्टडी वाला मटेरियल है, तो आपको खुद से ही सेल्फ स्टडी करनी है घर पे, बाकी किसी कोचिंग सेंटर में जाके आपको स्टडी नहीं करनी है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू भाई।